the ABC is a triangular plate of uniform thickness. The side are in the ratio shown in the figure. IAB, IBC and ICA are the moment of inertia of the plate about AB, BC and CA respectively. Which of the following relation is correct? ये 4 दिया है और ये 5 दिया है, ये 3 दिया है. मैंने कहा अगर मैं इसे एक्सेस ऑफ मानूंगा, इसे मोमेंट ऑफ इनर्सिया, इसे आई बी सी लिखा है इन्होंने, तो इसका ये डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है. और अगर मैं इसको एक्सेस मानूंगा तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना है? 3 है. मास सेम मान के कर रहा हूँ, ध्यान रखे रहना. मास जो है हम क्या मान रहे हैं? सेम. तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर से सॉल्व कर रहे हैं. तो इसको भी अगर आप लिखेंगे और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, है ना, इस डिस्टेंस को मैं डी मान ले रहा, ये 2.4 आ रहा था. तो अगर मैं आई यहाँ पर फिर से लिखूं आई बी सी, अगर आई बी सी लिखेंगे तो डायरेक्टली इस एक्सेस से कितनी दूरी यहाँ तक मास गया है? 4. तो 4 का स्क्वायर, मेरी बात समझे. और आई ए बी लिखो जरा, आई ए बी लिखोगे तो डायरेक्टली आई ए बी कितना है? 3 है. कहाँ तक गया है? 3 तक. तो 3 का स्क्वायर है. अगर ये ए सी की बात करेंगे, आई ए सी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना आया था जी? 2.4 का स्क्वायर. अच्छा मेरी बात ध्यान से देखना जरा, इसमें ऑप्शन अगर मैच कराएंगे हम लोग तो ये ए बी और बी सी ऐड करने के बाद सी ए आएगा. ए बी और बी सी ये ध्यान रखे रहना, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये ए बी है और ये बी सी है, तो ए सी नहीं आएगा. जो परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम होता है वो जाता है. ये काला है, हो सकता ना दिख रहा हो तो मैं यहाँ कर लेता हूँ भैया. ये जो होता है ना परपेंडिकुलर एक्सेस, पहली बात तो तीनों आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए. तो कोई भी दो, या तो ये इसका दोनों का सम इसके इक्वल होगा, इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा, इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा, मतलब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए. ये वाली लाइन जो है इस एक्सेस के परपेंडिकुलर थोड़ी ना है, तो ए वाला ऑप्शन नहीं होगा. बी सी जो ये 4 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट.